को मिल सकती है जगह। पार्टी आलाकमान की मुहर का इंतजार, नगर निकाय चुनाव से पहले हो सकता है विस्तार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां देहरादून से धामी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चली है। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, चार नए चेहरों को जगह मिल सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। चार नए चेहरों को जगह मिल सकती है, पार्टी आलाकमान की मुहर का इंतजार है और उसके बाद हो सकता है कि जल्द से जल्द धामी कैबिनेट का विस्तार हो जाए। देखिए, बातचीत हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत दिए हैं और दिल्ली में उनका जाना हुआ था, उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की है। ये मुख्यमंत्री का विवादित विषय है, मुझे लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए। हमने पहले भी बातचीत की है और मुझे लगता है जल्दी होगा। पिछले एक पखवाड़े में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली दौड़, इसी बीच सत्ता परिवर्तन की तमाम अटकलें और उसके बाद कयासबाजियां होती रही। अब चर्चा मंत्रिमंडल के विस्तार पर आकर टिक गई है और ये मंत्रिमंडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत जोरों से उठी है। चार कैबिनेट बर्थ रिक्त हैं, पिछले कई सालों से खाली पड़ी हैं। चंदन रामदास के निधन के बाद चार हो गई, उससे पहले तीन सीट पहले से कैबिनेट में खाली पड़ी है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि तैयारी सब हो चुकी है, बस जो हाईकमान है उसके आदेश का, उसकी स्वीकृति का इंतजार है और ये मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की भी कुछ इसी तरह से उनका भी एक वक्तव्य आया है। इससे पहले संगठन और सरकार के लोग अलग अलग तरह से अपने बयान दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ विधायकों के बीच मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सभी अपने आकाओं को पकड़े हैं, दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, कोई यहाँ मुख्यमंत्री की परिक्रमा कर रहा है, ज्यादातर विधायक मंत्री बनना चाहते हैं। देखना यह है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो पिछले 2.5 साल से जिसका इंतजार हो रहा है वो कब होता है और किसको कैबिनेट की बर्थ मिलती है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कल पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।